हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज। एनसीईआरटी हेल्दी पर्सन के बारे में क्या कहती है? हेल्थ इज देयर फॉर ए स्टेट ऑफ बींग वेल एंड अप टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। मतलब हमें फिजिकली मेंटली एंड सोशली तीनों तरह से फिट होना चाहिए, उसी को हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। फिजिकली मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं है, वो हमेशा ही फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है और वो एकदम से फिट है, उसे फिजिकली फिट कहेंगे। मेंटली वो छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब नहीं हो जाता है और जो भी काम वो करता है बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मन लगा कर करता है, उसे मेंटली फिट कहेंगे। सोशली हम अपने समाज से किस तरह से तालमेल बिठाते हैं, हमारे समाज के प्रति कैसा बिहेव है, लोग हमारे प्रति कैसा बिहेव करते हैं, मतलब वो सोशल रूप से भी फिट है। एनसीईआरटी कहती है कि फिजिकली मेंटली और सोशली जो फिट है उसी को हेल्थ कहते हैं। दूसरा टाइप है डिजीज फ्री। डिजीज हमें होती है फिजिकली, मतलब जब फिजिकली हम किसी तरह से बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उसे कहते हैं डिजीज। डिजीज बहुत तरीके की हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटिक हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके की बीमारी अगर हमें फिजिकली होती है तो उसे कहते हैं डिजीज। और इन सब डिजीज से फ्री अगर इंसान है तो उसे कहते हैं डिजीज फ्री, मतलब उसे हेल्दी नहीं कहा जा सकता। व्हेन वी फील कंफर्ट, मतलब जो हमें आराम मिलता है, हम डिजीज फ्री होते हैं, फिजिकली हमें कोई डिजीज नहीं है तो उसे कहते हैं डिजीज फ्री। लेकिन वो हेल्दी हो ये जरूर नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो मेंटली या सोशली डिस्टर्ब हो। हेल्थ बिलोंग टू वो सोशल एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट, इसलिए हमारी जो हेल्थ है वो सोशली और कम्युनिटी दोनों से अफेक्टेड होती है। हमारे एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है कि हमारी सोशल लाइफ कैसी है। इट इज नॉट इंडिविजुअल, इसलिए ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये हमारे और हमारे समाज के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो जो डिजीज फ्री मतलब ये तो पर्सनल है, बीमारी तो हमारे शरीर में ही लगती है ना, तो ये हमारा बिल्कुल पर्सनल मामला है। तो डिजीज फ्री होना ये पर्सनल है, लेकिन हेल्दी होना ये पर्सनल नहीं है, क्योंकि ये इफेक्ट है हमारे सोशल लाइफ से, हमारे कम्युनिटी से, हमारे एनवायरनमेंट से, सब तरीके से ये इफेक्टेड है। हेल्दी पर्सन फील कंफर्ट इन एनी सिचुएशन। जो हेल्दी पर्सन होता है मतलब अपने समाज से वो तालमेल बिठा के रखता है, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत जल्दी वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके इमोशंस अपने कंट्रोल में है, ऐसा व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है, वो एक हेल्दी पर्सन होता है। ए डिजीज फ्री पर्सन में भी अनहेल्दी, लेकिन जरूर नहीं है कि अगर एक डिजीज फ्री इंसान है मतलब वो फिजिकली उसे कोई बीमारी नहीं है वो हेल्दी हो, ये तो जरूर नहीं है। हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है सोशल में वो तालमेल ना बिठा पा रहा हो, इसलिए वो अनहेल्दी हो सकता है। तो डिजीज फ्री होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हेल्दी है, ठीक है। डिजीज फ्री पर्सन में भी अनहेल्दी, वो अनहेल्दी हो सकता है। क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। जो एक्यूट डिजीज होती है वो कम समय के लिए होती है, जैसे जुकाम है, बुखार है, तो वो हमारे 5-7 दिन में मतलब वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे लाइफ स्टाइल पर नहीं पड़ता है। लेकिन एक क्रोनिक डिजीज़, एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, वो जल्दी से क्योर नहीं हो पाती है। जैसे कैंसर है, एक जानलेवा बीमारी है, मतलब ऐसा लगता है किसी ने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके हमें दे दिए हों। एड्स है, क्रोनिक डिजीज़ है, लीवर डैमेज हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, डायबिटिक पेशेंट है, तो ये क्या होती है? क्रोनिक डिजीज होती है, एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी क्रोनिक डिजीज है। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट अवर बॉडी, दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बींग हेल्दी। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी का एक पार्ट खराब हो गया तो चलो दूसरा तो ठीक है उससे काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड पंपिंग का होता है, मतलब हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो हार्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि हार्ट एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड के ऊपर जिससे कि वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। और ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना, न्यूट्रिएंट कैरी करना, सब काम ब्लड का होता है। और अगर ये प्रॉपर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, तो किसी भी पार्ट को, बॉडी के किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरा पार्ट अफेक्टेड होता है। जैसे किडनी है हमारे शरीर में,
किडनी है। किडनी का काम होता है ब्लड को छानना, मतलब ब्लड को प्योर करना। वो ब्लड प्योर होने के बाद वो जाता है लीवर में। जितने भी टॉक्सिन ब्लड में होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है लीवर का। अब हम सोचें कि किडनी तो काम कर रही है ना, लीवर ना भी करे तो चलेगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि पूरा काम कहाँ हो रहा है, लीवर में जाके, और लीवर से फिर वो ब्लड सभी शरीर के अंग तक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों हमारे अंग जरूरी हो गए ना, इसलिए हर पार्ट शरीर का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। हर पार्ट अच्छे से फंक्शन करे तभी वो पर्सन जो है हेल्दी होता है। बट एन एक्यूट डिजीज विच इज ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। लेकिन जो एक्यूट डिजीज होती हैं, जो छोटे समय के लिए होते हैं, वो हमारे फिजिकली इतना इफेक्ट नहीं करती हैं। जैसे जुकाम है, बुखार है, कुछ समय में ठीक हो ही जाना है ना, उसके लिए हम स्कूल में ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करते हैं, चलो 5-7 दिन के लिए रेस्ट कर लिया तो वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन एक क्रोनिक डिजीज़ है, हमें एक लंबी बीमारी होगी है, तो हम कब तक छुट्टी करेंगे? ज़्यादा छुट्टी, बच्चे भी स्कूल में से ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो उनका होमवर्क वगैरह, उनकी पढ़ाई पिछली सारी रुक जाएगी, तो क्लास में पिछड़ जाएंगे। ऑफिस में जाना है तो जॉब भी सही से नहीं होगी, वो जॉब भी छूट जाएगी। जो क्रोनिक डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्रोनिक डिजीज विल डू सो। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कफ एंड कोल्ड, खांसी होगी, जुखाम हो गया, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये होती रहती है हमें। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन ए वीक और सो, मतलब एक सप्ताह या थोड़े से ज़्यादा दिन में वो ठीक हो जाती है। एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। बट इफ यू गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रोनिक डिजीज सच एज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, अगर टीबी हो गई, फेफड़ों की अगर टीबी होगी तो वो एक लंबे समय तक चलती है ना, और उसके ट्रीटमेंट में हम लेते हैं डोट, जल्दी से ठीक नहीं होती है। इससे शरीर में बुखार रहने लगता है और कमजोर होने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। देन बीइंग इल ओवर ए ईयर डज मेक अस लॉस वेट, फील टायर्ड ऑल ऑफ टाइम, सारे दिन हम थके थके से महसूस करते हैं, ठीक है ना। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ वी हैव एन एक्यूट डिजीज, अगर हमें एक्यूट डिजीज होती है तो कुछ समय के लिए हम स्कूल नहीं जाते हैं। बट ए क्रोनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग थॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस अवर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो एक लंबे समय के लिए स्कूल से ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ेगी, जिससे सारा काम पेंडिंग हो जाएगा और कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। We are likely to have prolonged general poor health. If we have a chronic disease therefore have very drastic long-term effect on people's health as compared to acute disease. Acute disease की तुलना में जो chronic disease है उससे लोगों की health पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो जल्दी से वो cure भी नहीं होती है और एक बहुत लंबा time लेती है। Okay बच्चों, ये था आज का lecture. Bye bye, be happy and take care.